वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, एक स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है जब भी वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करता कि भाई हमें जो ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है वो एग्जीक्यूटिव पे बात करें या प्रोफेशनल के बात करें। दैट इज़ द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन कि भाई ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि भाई जो हम मान लो हमने एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और प्रोफेशनल के एग्जाम भी देने, तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम प्रोफेशनल के एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के साथ निकाल पाएँ? चलो अगर हम निकाल भी सकते हैं, क्या एक एक करके निकालें, तीनों एक साथ निकाल सकते हैं? क्या कोई ऐसा एग्जांपल है कि भाई आपके किसी दोस्त ने या आपकी सब्सक्राइबर ने या आप किसी को जानते हो जिसने ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल निकाला हो? तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूँ। देखो पहले इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बात करनी चाहिए, ट्रेनिंग के बात करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ICSE ने ऑप्शन दिया, इट मीन्स कि दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप कैसे करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सपोज दैट कि अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है, आपको ऐसा है कि हाँ भाई मैं एक साल वेट भी कर सकता हूँ CS बनने में, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं ट्रेनिंग के साथ टेंशन नहीं चाहिए, पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए, तो आप पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन निकालें फिर आप ट्रेनिंग करें। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा है नहीं यार मुझे तो जल्दी से CS बनना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं थोड़ा सा ना स्ट्रगल कर सकता हूँ कि यार मैं ट्रेनिंग भी कर लूँ और मैं पढ़ाई भी मैनेज कर लूँ, हाँ थोड़ा सा टेंशन होगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, नींद थोड़ी कम होगी, बट है कि मैं रेडी हूँ, मुझे CS जल्दी बनना है, बस मैं एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ट्रेनिंग निकाल दूंगा, तो आप बिल्कुल आप एग्जीक्यूटिव की बात करनी चाहिए अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मिल गई होगी जानकारी आप कैसे कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको एक मेजोरिटी फैक्टर बता दिया कि एक मेन फैक्टर जो रहता है ना, ये सब स्टूडेंट को लगता है इसी चीज़ को मैटर लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपकी सिचुएशन को डिपेंड करता है। अब बात आती है और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए यार एग्जी की बात करनी चाहिए, प्रोफेशनल की बात करनी चाहिए, ट्रेनिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। अच्छा, अब बात आती है भाई कि यार एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो जैसे कि टॉपिक चल रहा था कि आपको कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फ्रेंड है जिसने क्लियर किया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद ट्रेनिंग, वो भी फर्स्ट टाइम में, वो भी पूरा प्रोफेशनल, तो हाँ जी, तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मेरे एक फ्रेंड को लाने वाला हूँ, ठीक है। इंटरव्यू लिया मैंने उनका और वो पूरा डिटेल में बताने वाला है आप लोगों को कि कैसे क्लियर कर सकता है एग्जामिनेशन। रिसेंट December 20 का एग्जामिनेशन ही क्लियर्ड ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल के सारे एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और भी फर्स्ट अटैम में किया ट्रेनिंग के, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ साथ ही किया, फर्स्ट अटैम था, ट्रेनिंग के सारे मॉड्यूल दिए थे और पास कर दिया है। तो मैंने बहुत सारी बातें करी रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस बारे में बात की है। तो बहुत जल्द मैं इंटरव्यू ले आऊँगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो आप लोगों को अगर जानना है कि एग्जीक्यूटिव की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, डिटेल वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हाँ, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो? कोई मॉक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट के माइंड में, तो इसका आंसर देने के लिए आप लोगों के सामने एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आने वाला हूँ, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड को इसी चैनल पे, स्टडी विद मी चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दी चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइज, टाटा, बाय, सी यू लेटर।